तो भाई साहब अब लगी है भूख अपने को, अब हम सोच रहे हैं कि यार कुछ खा लें। हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत, और अभी फिर से मैं सुबह सुबह नहा धो के अपना फ्रेश होके अपना निकल रहे हैं काम पे। ड्यूटी है सीधा यहाँ से गंगानगर से आपको जहाँ हमको लेके जाना है उनको नोएडा। अब नोएडा ले आकर ड्रॉप करना है, फिर उसके बाद अपना काम करेंगे। यार रात में अभी दिक्कत होगी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं है। रात में क्या हुआ, जो मेरी दादी हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो उनको रात में फिर 2 बजे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो एडमिट करने के बाद फिर मैं रात को 2 बजे उठ के 3 बजे 4:30 बजे मैं घर पर आया हूँ, 4:30 बजे। और अभी अभी ठीक है दादी, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडमिट करने के बाद आया, फिर एकदम से रात भर सही से नींद नहीं आ पाई, तो नींद पूरी हुई नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, भगवान की दुआ से सब ठीक, दादी भी सही हैं, स्वस्थ हैं। मैं पहुंच गया हूँ रिसीव करने, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधा नोएडा के लिए। अब जो भी होता है आपको हम बताते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, और आप मेरे साथ बने रहिएगा ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको रिसीव कर रहे हैं, अब इनके घर पे आ चुके हैं हम लोग, अब यहाँ से निकल जाएंगे सीधा नोएडा के लिए, ठीक है। अभी 2 मिनट कह रहे हैं, 2 मिनट का वेट कर लीजिए, बस आ रहा हूँ मैं। तो चलो भैया, हमने रिसीव कर लिया भैया को, अब निकल रहे हैं यहाँ से नोएडा के लिए। अब नोएडा पहुँचते पहुँचते हमको लगेगा 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे बाद इनको ड्रॉप करके फिर कहीं और देखते हैं, ठीक है। और ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने 3 महीने बाद मुझे याद किया, क्योंकि 3 महीने तक ये अप डाउन कहीं और कर रहे थे पता नहीं, है ना। तो अभी इन्होंने मुझे फोन किया है, चलो चलते हैं। चलो भाई साहब, हम लोग अभी नोएडा पहुंचने वाले हैं, गाजियाबाद पहुंचने, मतलब नोएडा पहुंचना था और गाजियाबाद में अटके हुए हैं, क्योंकि हमें भरवानी है यहाँ पे CNG। तो CNG भरवा लें, फिर दिन भर का चोचला पराना ख़त्म, अपना काम करते रहेंगे दिन भर, फिर अपना शाम में वापस घर वापसी। और भैया लेट तो नहीं हो रहे? ना भाई बिल्कुल नहीं। थैंक यू, क्या आपने टाइम दिया मुझे CNG भरवाने का, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो दोस्तों चलते हैं, ऐसी बनाते रहेंगे और कुछ बढ़िया मिल जाए आज टॉपिक तो मज़ा आ जाए, है कि नहीं भाई साहब। दिल्ली में देखो सुबह सुबह ऐसा जाम हो रखा है कि पूछो मत, सबको अपने काम पे भागना। जिंदगी में आदमी दो ही चीज़ों में जी रहा, बस दौड़म दौड़ और पैसा 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 पैसा। देखो भैया, उनको मैंने अब छोड़ दिया है, अब छोड़ने के बाद चले हैं नेक्स्ट राइड पे। अब हम नेक्स्ट राइड लेने जा रहे हैं, ये हैं सेक्टर 98 के लिए है। अब इनको ड्रॉप करके फिर अपना आगे का दिनचर्या स्टार्ट करेंगे, दिनचर्या नहीं सॉरी दिनचर्या कुछ भी, चलो ठीक है। हेलो दोस्तों, आज मैंने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई, लेकिन मुझे नहीं चलानी चाहिए, लेकिन जो कस्टमर है मैं उनको लेने जा रहा था, और वो जिनको मैंने बोला था मेरठ की ड्यूटी है वो छूट चुके थे हॉस्पिटल से, अब हॉस्पिटल से उनको लेके जाना है मेरठ। और मैं बहुत जल्दी में आया हूँ, मुझे पता कैसे आया हूँ मैं, बहुत कम से कम 15 किलोमीटर दूर था जहाँ से मैं खाली आया, और मैंने इनको मतलब खाली आया वहाँ से 15 किलोमीटर से टापम टाप, क्योंकि जल्दी से जल्दी इनको यहाँ पे मिलना है, क्योंकि ऊपर से आ जाएंगे नीचे, है ना। और ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रहे थे, उन्होंने बोला सर हम फर्स्ट फ्लोर पे, आप आ जाइए जल्दी। मैं टापम टाप भागा भाई कसम से, गाड़ी लेके दाबम दाब दाबम दाब, अब पहुँच गया हूँ, अब बस वो आ रहे हैं, ऐसी हालत हुई, दाबम दाब आया हूँ गाड़ी में। तो भाई साहब अब लगी है भूख अपने को, अब हम सोच रहे हैं कि यार कुछ खा लें। तो हम आए अपने दोस्त के पास, ये अपना पुराना यारी है, और इसने यहाँ पे शॉप खोली है, बेहतरीन शॉप है। तो अभी मेरे लिए गरम कर रहा है, ये ठंडे हो गए तो मैंने इसको बोला भाई तू गरम गरम देना मेरे को, तो गरम गरम दे रहा है ना। और सब बड़े चल रहा मौज में, हाँ तो बोलते इधर देख के एक बार, बढ़िया मौज में। ब्याह कब कर रहा है तू, ब्याह हो गया नहीं हो गया, अभी हो गया बालक अगले है, क्या बात है। थैंक यू दोस्तों ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए, और मैं आशा करता हूँ धीरे धीरे आप धीरे धीरे अपग्रेड करते रहेंगे मेरी वीडियोस को, धीरे धीरे उठाते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा दी, और शेयर कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद।